नाउ दिस थिंग इज लेफ्ट, दिस इज टाइमर, और टाइमर में हम लोग वो पढ़ेंगे, एक आईसी होता है 555, उसके बारे में पढ़ेंगे, इसका ब्लॉक डायग्राम क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है, और स्टेबल मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर की तरह इसका एप्लीकेशन किया जाता है, तो ये होते क्या है और इनको कैसे इसमें ये आईसी में कैसे यूज करते, ये हम लोग को इस यूनिट में सीखना है. देन वी विल गो टू द फोर्थ यूनिट. सो टुडे आई एम स्टार्टिंग दिस पार्ट, तो हम लोग थोड़ा बहुत इस पे बात करेंगे और फिर धीरे धीरे समझ में आएगा. यस. सो ये जो टाइमर आईसी है 555, ये बहुत सिंपल सा आईसी है और ये में 5 पिन होते हैं. जैसे हम लोग फर्स्ट यूनिट में जब इंटीग्रेटर सर्किट पढ़ रहे थे तो देखे थे कि आईसी ऐसे होते हैं जिसमें कुछ पिन होते हैं, उनको हम लोग डायरेक्टली यूज करते हैं. तो ऐसे ही ये एक आईसी है, इसको 555 क्यों कहते हैं ये भी बताएंगे, और ये इसका पिन आउट डायग्राम है. पिन आउट डायग्राम हर आईसी का होता है, जब भी हम कोई आईसी लेंगे तो उसके साथ में ये डायग्राम और उसका पैरामीटर ये सारा कुछ डिटेल दिया जाता है. तो ये 8 पिन आईसी है, ऐसे बहुत सारे पिन का आईसी होता है, तो इसमें 8 पिन निकले हैं. सारे पिन का कुछ कुछ नाम होता है, ये यहाँ पे नाम भी बताया है. पहले को ग्राउंड, ट्रिगर, आउटपुट, रिसेट, पावर सप्लाई, डिस्चार्ज, थ्रेशोल्ड, कंट्रोल वोल्टेज. तो 8 पिन आईसी, इसको हम लोग लगाएंगे अपने सर्किट में, और क्या काम करता है, किस लिए हम इसको पढ़ रहे हैं, ये सब हम लोग धीरे धीरे समझने का कोशिश करेंगे. तो थोड़ा सा हम लोग ये टेक्स्ट पढ़ते हैं, मैंने कहीं से ढूंढा है ये टेक्स्ट, कई सारे किताब देख रहा था, तो जैसे फ्लॉयड की किताब में भी कुछ मुझे बहुत आसान तरह से नहीं दिखा, और एके मैनी का किताब में भी था, लेकिन टाइमर को अलग अलग वो डिस्कस कर रहे हैं, तो मैंने कहीं इंटरनेट से कुछ ढूंढा है. हम लोग इसको कोशिश करते हैं समझने का, थोड़ा सिंपल रहेगा, स्टोरी टाइप का होगा तो समझ में आएगा, इसलिए मैं वो किताब का जो मटेरियल था वो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि समझाने में या समझने में थोड़ा मुश्किल होगा. एक बार हम लोग इसको देखते, देन वी विल ट्राई टू लुक एट बुक्स लेटर. तो बेसिक 555 टाइमर गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द फैक्ट, इसका नाम 555 क्यों है, कि देर आर थ्री इंटरनली कनेक्टेड 5 किलो ओम रजिस्टर्स विच इट यूजेस टू जनरेट टू कंपरेटर कंपरेटर्स रेफरेंस वोल्टेज. तो होता क्या है, इसके अंदर 3 5 किलो ओम के रजिस्टेंस है जो पैरेलल में कनेक्टेड, जो पैरेलल में नहीं इंटरनली कनेक्टेड है, और उनको जो है ये इनसे हम लोग कंपरेटर जैसे बनाते हैं. तो जब थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में जो इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं उसमें ऑसिलेटर वगैरह थोड़ा बहुत पढ़ा होगा अगर, तो इसका आइडिया होगा कि उसमें कुछ रहता है 2/3 वोल्टेज जाएगा इधर, तो मतलब सर्किट में कुछ ऐसा कंपैरेटर कंपेयर करके सेटिंग होता है. बट एज ऑफ नाउ इतना समझ ले कि इसके यहाँ पे 3 5 किलो ओम के रेजिस्टेंस है जो कंपैरेटर रेफरेंस वोल्टेज की तरह बनाने के लिए लगाया जाता है, उसी से इसका नाम 555 आया, अदरवाइज इसमें 555 जैसा और क्या है, कुछ नहीं. तो ये इसका नाम हो गया. देन दिस टाइमर इज वेरी दिस आईसी इज वेरी चीप, मतलब सस्ता मिलता है, पॉपुलर एंड यूजफुल प्रिसीजन टाइमिंग डिवाइस व्हिच कैन एक्ट एज आइदर ए सिंपल टाइमर टू जनरेट सिंगल पल्स और लॉन्ग टाइम डिलेज, और एज अ रिलैक्सेशन ऑसिलेटर प्रोड्यूसिंग ए स्ट्रिंग ऑफ स्टेबलाइज्ड वेवफॉर्म ऑफ वेयरिंग ड्यूटी साइकिल फ्रॉम 50 to 100%. तो ये बताया, एक तरह से एक जनरल इंट्रोडक्शन जैसा है कि इसका नाम ऐसा क्यों होता है और इसके क्या क्या यूज है, बहुत थोड़ा इंट्रोडक्शन टाइप में बताया. फिर हम लोग लेटर ऑन इसके एप्लीकेशन थोड़ा और डिटेल में समझेंगे, लेकिन क्या क्या एप्लीकेशन बता रहा है, ये प्रिसीजन टाइम डिवाइस विच कैन बी एक्ट एज आइदर ए सिंपल टाइमर टू जनरेट सिंगल पल्स, मतलब टाइमर की तरह यूज कर सकते हैं, या लॉन्ग टाइम डिलेज, आर रिलैक्सेशन ऑसिलेटर प्रोड्यूसिंग ए स्ट्रिंग ऑफ स्टेबलाइज्ड वेवफॉर्म. तो ऐसा कुछ कुछ इसके काम है जो हम लोग कर सकते हैं. अभी शायद इन सब चीजों को बहुत
प्रैक्टिकली अगर हम ये जैसे आईसी को हम लोग एक लैब सेटअप में पढ़ रहे होते, वहां पे इसके हम कुछ एप्लीकेशन देख रहे होते, तो इट बिकम्स मच इजियर टू एक्सप्लेन रादर देन जब हम लोग ऐसे थ्योरी करके क्लास करके इस पे बात करते हैं। तो इसका सही टेक्निक ये होना चाहिए कि आईसी भी हो, इससे कुछ सर्किट वर्किट हम लोग के पास हो और हम लोग उससे कुछ एप्लीकेशन को डायरेक्टली एक्सपेरिमेंट करके देखे, तो फिर ज्यादा बेहतर समझ में आता है। बट अभी हम लोग के पास जो कुछ है उसी में करना है। सो दिस टाइमर चिप इज एक्सट्रीमली रोबस्ट एंड स्टेबल 8 पिन डिवाइस दैट कैन बी ऑपरेटेड आइदर एज ए वेरी एक्यूरेट मोनो स्टेबल, बाई स्टेबल और ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। अब ये मल्टी वाइब्रेटर में ये मोनो स्टेबल, बाई स्टेबल, ए स्टेबल क्या होते हैं हम लोग इसको भी आगे समझेंगे, लेकिन ये समझ लो कि ऐसे यूज किया जाता है, कार्य किया जा सकता है। अब ये क्या है ये हम लोग थोड़ा और समझेंगे, लेकिन मोनो स्टेबल, बाई स्टेबल जैसे नाम है ऐसे इसमें कुछ समझ में आ रहा होगा। दो स्टेट होता है, फ्लिप फ्लॉप हम लोग बोलते थे 0 1 हो गया या 2 स्टेट हो गया, ऐसे ही ये 2 स्टेट समझ लो। तो मोनो स्टेबल मतलब इसमें एक ही स्टेट स्टेबल है, बाई स्टेबल में दोनों स्टेट स्टेबल है, ए स्टेबल क्या है हम लोग धीरे धीरे सब चीजें एक्सप्लेन करेंगे। ये सारे टर्म्स टू प्रोड्यूस वेराइटी ऑफ एप्लीकेशन, ये मल्टीवाइब्रेटर की तरह यूज होता है। इसमें क्या क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं? वन शॉट आर डिले टाइमर्स, पल्स जनरेशन, एलईडी एंड लैंप फ्लैशर्स, अलार्म्स एंड टोन जनरेशन, लॉजिक क्लॉक, फ्रीक्वेंसी डिवीजन, पावर सप्लाई एंड कन्वर्टर्स। तो क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं जिसमें ये आईसी यूज होता है। और इन जनरल मतलब हम लोग अभी जानते नहीं, जैसे बहुत सारे एप्लीकेशन हम लोग जानते हैं लेकिन ये नहीं जानते उसमें किसमें ये आईसी यूज होता है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा समझेंगे तो शायद बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जिनको हम लोग बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं, बस ये नहीं समझते कि ये कैसे हो रहा है। सो अगर हम लोग इस आईसी को समझेंगे और कहाँ कहाँ यूज होता है उसको थोड़ा बेहतर समझेंगे, तो काफी सारा जो हम देखते हैं वो समझ में आएगा। सो इन फैक्ट सर्किट दैट रिक्वायर सम फॉर्म ऑफ टाइम कंट्रोल एज द लिस्टर इज इंडलेस। तो ये बोल रहा है कि बहुत सारे सर्किट में इसका यूज होता है, इसलिए हम ये कह दे रहे हैं कि जहां पर भी कुछ टाइम कंट्रोल जैसा चीज चाहिए वहां पे ये आईसी यूज होता है। तो इसका बहुत यूज होता है, बहुत पॉपुलर टाइप का। क्यों पढ़ाया जा रहा है ये भी तो है, बहुत सारे आईसी होते हैं, वाई तुम लोगों को ये 555 भी क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इसका एप्लीकेशन है एंड वेरी पॉपुलर काइंड ऑफ आईसी है ये, इसके एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है इसलिए शायद हम लोग को ये पढ़ाया जा रहा है। अभी 8 पिन आईसी, हर पिन का कुछ कुछ मतलब है, तो जब हम सर्किट बनाते हैं उसमें ये आईसी लगाते हैं तो उसी हिसाब से वो डिजाइन किया जाता है कि वो सारे पिन उसी जगह कनेक्ट हो जहां हमको जरूरत है। ठीक है, ये जो दूसरा स्लाइड में बनाया हूं इसमें क्या है, ये ब्लॉक डायग्राम है। हम लोग को ब्लॉक डायग्राम एप्लीकेशन ये सब कुछ इसमें पता करना, तो ये ब्लॉक डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम ये देखोगे तो 3 ये 5 किलो ओम, 5 किलो ओम, 5 किलो ओम के रेजिस्टेंस अच्छे लगे। ब्लॉक डायग्राम इसका कई सारे पिक्चर अलग अलग तरह के अवेलेबल थे, लेकिन ये जो ब्लॉक डायग्राम है ये बेसिकली जो पिन डायग्राम है उसी के अंदर सेट किया है, तो मुझे ये वाला पिक्चर ठीक लगा इसमें समझना और ड्रॉ करना भी आसान रहेगा। जैसे तो हम लोग पहले ये समझते हैं कि ये ऐसे है, इसमें 8 पिन है, इस डब्बे के अंदर क्या है, सो हियर इट कम्स, डब्बे के अंदर ये है। अब हम लोग पहले ये देखें कि इसके अंदर जो भी है इन सब चीजों को हम जानते हैं कि नहीं जानते हैं। तो एक तो ये रेजिस्टेंस है, ये तो हम लोग जानते ही हैं। फिर ये क्या है, एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ये भी हम लोग जानते हैं। और ये क्या है, इफ यू नो इट्स इज ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ओपेम, ओपेम बोलते हैं इसको। ऑपरेशनल एम्पलीफायर तुम लोग को पढ़ाया गया कि नहीं पढ़ाया गया मुझे नहीं पता, बट आई होप ये पढ़ाया गया हो उसमें जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स था। अगर नहीं पढ़ाया गया तो भी तो इसको पढ़ना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं। ये दो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, ये फ्लिप फ्लॉप है, फ्लिप फ्लॉप हम लोग अभी पढ़े हैं,
एंड दिस इज आउटपुट ड्राइवर। आउटपुट ड्राइवर क्या होता है मुझे भी नहीं पता, मतलब नहीं। तो पिन वन जो है जिसको बोलते हैं ग्राउंड, ये क्या कह रहा है कि द ग्राउंड पिन कनेक्ट 5 5 टाइमर टू द नेगेटिव सप्लाई रेल, और पिन टू है ट्रिगर। अब ये ट्रिगर क्या करता है, द नेगेटिव इनपुट टू कंपैरेटर नंबर वन। ये दो मिला के क्या बनाया गया देखोगे, तीन तीन ये 5 किलो ओम के रेजिस्टेंस है, इसका एक इनपुट यहाँ ओपन में जा रहा है, एक इनपुट यहाँ ओपन में जा रहा है। तो ये कुछ कंपैरेटर का आइडिया है कि कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा यहाँ पे, सप्लाई यहाँ पे दे रहे हैं और ये ग्राउंड है, तो इसका मतलब ये बेसिकली सर्किट बन रहा है, तो यहीं पे वो कितना वोल्टेज कहाँ पे ड्रॉप हो रहा है उसी के आइडिया के आधार पे ये इसमें और इसमें ये इनपुट जाता है, ये कंपैरेटर ऐसे डिसाइड करता है। तो धीरे धीरे हम समझेंगे तो शायद ये सारा समझ में आएगा। तो द नेगेटिव इनपुट टू कंपैरेटर नंबर वन, ए नेगेटिव पल्स ऑन द पिन सेट्स द इंटरनल फ्लिप फ्लॉप एंड द वोल्टेज ड्रॉप बिलो 1/3 VCC कॉजिंग द आउटपुट टू स्विच फ्रॉम लो टू हाई स्टेट। तो डिजिटल में सारा कुछ 0 1 होता है, लो हाई होता है, लेकिन जब वो सर्किट बनाएंगे तो हम लोग कुछ ऐसे ही बनाएंगे। तो इसमें क्या बनाया गया है कि जैसे कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा कुछ लेवल सेट किया गया है। लेट अस नॉट टॉक अबाउट कि क्या लेवल क्या बात कर रहे, जैसे यहाँ पे 1/3 VCC बोले, यहाँ पे जो हम लोग लोग VCC में जो भी सप्लाई दे रहे थे, जब 1/3 ड्रॉप हो जाएगा तो वो हाई से लो स्टेट में चला जाएगा ऐसे। और फ्लिप फ्लॉप ये है तो फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट में क्या 0 1 ही आएगा ना, तो ये ऐसे ही हाई लो ऐसा कुछ सेट होता है यहाँ पे कंपैरेटर देख के, अभी हम लोग इतना समझे। फिर पिन थर्ड है आउटपुट, आउटपुट मतलब यहीं से सर्किट में जो भी हम लोग दे रहे हैं वहां से आउटपुट मिलता है। तो आउटपुट क्या है, द आउटपुट पिन कैन डराइव एनी TTL सर्किट एंड इज कैपेबल ऑफ सोर्सिंग और सिंकिंग अप टू 200 mA ऑफ करंट एट एन आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली VCC 1.5 वोल्ट। सो स्मॉल स्पीकर्स LED एंड मोटर्स कैन बी कनेक्टेड डायरेक्टली टू द आउटपुट। तो ये बोला ये कुछ इतना करंट भी देता है और ये जो आउटपुट आता है इसको हम लोग कहाँ डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। फिर फोर्थ इज रीसेट। रीसेट क्या है, द पिन इज यूज्ड टू रीसेट द इंटरनल फ्लिप फ्लॉप कंट्रोलिंग द स्टेट ऑफ आउटपुट। फ्लिप फ्लॉप में ही जो आउटपुट आएगा वही जाके आउटपुट में जा रहा है, तो ये जो रिसेट है इसको ही ये फ्लिप फ्लॉप को रिसेट करता है। तो दिस इज एन एक्टिव लो इनपुट एंड इज जनरली कनेक्टेड टू लॉजिक वन लेवल फॉर नॉट यूज्ड टू प्रिवेंट एनी अनवांटेड रिसेटिंग ऑफ द आउटपुट। तो मतलब इसको एक तरह से रिसेट करने के लिए यूज करते हैं ऐसे समझ लें। देन पिन 5 इज कंट्रोल वोल्टेज, दिस वन ये यहाँ पे जाके देखो इधर जुड़ा हुआ है। तो ये क्या करता है, दिस पिन कंट्रोल्स द टाइमिंग ऑफ द 5 5 5 बाई ओवरराइडिंग द 2/3 VCC लेवल ऑफ वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क। क्या करता है कि ये जो ये 2/3 VCC लेवल मतलब ये वाला जो कनेक्शन है यहाँ पे बोल रहा है कि दिस पिन कंट्रोल द टाइमिंग ऑफ 5 5 5 बाई ओवरराइडिंग 2/3 VCC लेवल ऑफ वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क बाय अप्लाइंग ए वोल्टेज टू दिस पिन द विड्थ ऑफ आउटपुट सिग्नल कैन बी वेरिड इंडिपेंडेंटली ऑफ RC टाइमिंग नेटवर्क व्हेन नॉट यूज्ड इट इज कनेक्टेड टू ग्राउंड वाया 10 nF कैपेसिटर टू एलिमिनेट एनी नॉइज। मतलब यहाँ से हम कुछ ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं, वोल्टेज कंट्रोलिंग का सिस्टम है यहाँ पे, हम लोग कुछ वोल्टेज दे देंगे तो ये जो भी यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है ऐसे हो रहा है उसके बजाय जो ये वोल्टेज हम देंगे उससे कुछ इफेक्ट होके दिस विल चेंज द आउटपुट। तो जनरली बोल रहे जब हमको कोई जरूरत नहीं होता है तो हम इसको ग्राउंड में कनेक्ट करके रखते हैं। देन 6 इज थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड क्या कहता है, द पॉजिटिव इनपुट टू कंपैरेटर नंबर 2। थ्रेशोल्ड कहाँ कनेक्टेड है अगर देखे तो दिस इज थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड इज कनेक्टेड टू दिस, ये जो सेकेंड वाला है ओपन इसी में एक इनपुट में कनेक्टेड है। तो द पॉजिटिव इनपुट ऑफ कंपैरेटर नंबर 2, कंपैरेटर नंबर इसी को कंपैरेटर बोले, ओपन में जो है ये कंपैरेटर। ओपन होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर, इसमें बहुत सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन कर सकते हैं। इट कैन बी यूज्ड इंटीग्रेटर, डिफरेंशिएटर और
ऐसे ये कंपेरेटर की तरह यूज हो सकता है, दो सिग्नल है, एक यहाँ पे दे रहे एक यहाँ पे दे रहे, तो ये दोनों में कंपेरिजन भी करेगा और उससे कुछ उसका आउटपुट आएगा। क्या बोला, द पॉजिटिव इनपुट ऑफ कंपेरेटर नंबर टू, द पिन इज यूज टू रिसेट द फ्लिप फ्लॉप एंड वोल्टेज अप्लाइड इज टू इट एक्सीड्स 2/3 VCC कॉजिंग द आउटपुट स्विच फ्रॉम हाई टू लो स्टेट, द पिन कनेक्ट डायरेक्टली टू RC टाइमिंग सर्किट। तो ये पिन ऐसे करता है। एंड देन पिन नंबर 7 इज डिस्चार्ज, ये क्या है, द डिस्चार्ज पिन इज कनेक्टेड डायरेक्टली टू द कलेक्टर ऑफ इंटरनल NPN ट्रांजिस्टर व्हिच इज यूज्ड टू डिस्चार्ज द टाइमिंग कैपेसिटर टू ग्राउंड व्हेन द आउटपुट एट पिन 3 स्विच इज लो। ये डिस्चार्ज डायरेक्टली देखोगे यहाँ NPN से कनेक्टेड है। एंड देन दिस इज पावर सप्लाई, दिस इज पावर सप्लाई पिन फॉर जनरल पर्पज, तो ये 4.5 से 15 वोल्ट तक दे देता। तो इसका ओवरऑल ये आईसी क्या है और ये इसके जो पॉइंट है वो मतलब जो पिन है उनका क्या मतलब है और इसका इंटरनल सर्किट क्या है, ये इसमें पता चलता है। अभी हम लोग थोड़ा सा और इसको समझने का कोशिश करेंगे कि कैसे कैसे ये काम करता है, बट ओवरऑल वी कैन से फॉर टुडे इज ये 8-pin IC है, बहुत वर्सेटाइल है, इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है। जहां पे टाइम कंट्रोल का बात होता है दिस आईसी कम्स इनटू एप्लीकेशन। और फिर ये इसका सर्किट है, इसकी वर्किंग को थोड़ा सा डिटेल में समझने में पहले तो हम लोग यही समझे कि ये सारे पिन कैसे कैसे हैं, क्या क्या करते हैं। देन आरसी सर्किट का जैसे यहाँ पे नाम आ रहा है तो आरसी सर्किट क्या है और उस सबके बारे में कुछ कुछ बेसिक्स हमको पता होना चाहिए कि NPN ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है, ये भी हमको पता होना चाहिए, तभी हम लोग इसको पूरा डिटेल्ड वर्किंग समझ सकते हैं। एंड देन थोड़ा सा हम लोग इसकी समरी देखते हैं कि यहाँ पे क्या बता रहा है, कि ये तो नाम का बात पहले ही हो गया था। देन द टाइमर नेम कम्स फ्रॉम द फैक्ट दैट देयर आर 3 5 kilo ohm रजिस्टर्स कनेक्टेड टुगेदर इंटरनली प्रोड्यूसिंग ए वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क बिटवीन द सप्लाई वोल्टेज पिन एट पिन 8 एंड ग्राउंड पिन नंबर 1, मतलब 1 और 8 के बीच में जो सप्लाई वोल्टेज वोल्टेज डिवाइडर का नेटवर्क है वो यहां से 5 kilo ohm के 3 रजिस्टर्स कनेक्टेड। ये तो हम लोगों ने देखा ही। द वोल्टेज अक्रॉस द सीरीज रजिस्टिव नेटवर्क होल्ड्स द नेगेटिव इनवर्टिंग इनपुट ऑफ कंपैरेटर 2 at 2/3 VCC and positive non-inverting input comparator at 1/3 VCC। ये इसका बात कर रहा है, ये यहाँ पे 2/3 VCC, ये 1/3 VCC, ये इसके negative terminal में जा रहा है, ये यहाँ positive terminal में जा रहा है। Then the two comparators produce an output voltage depending upon voltage difference at their inputs which is determined by charging and discharging action of externally connected RC network। इसमें RC network externally connected है और इसके output में दोनों के क्या आएगा ये कहीं ना कहीं वही चीजें decide करता है। जैसे यहाँ पे हम लोग एक तो ये threshold दे रहे और वही यहीं पे कुछ, अब जैसे flip flop में जो input है SR flip flop यहाँ पे देखो लगा है तो SR में क्या होगा, जो या तो हम लोग 0 देंगे या तो 1 देंगे, मतलब हाई लो ये आएगा और यहाँ से जो रिजल्ट आएगा वो भी हाई लो में आएगा। तो ओवरऑल आउटपुट कुछ हाई लो ऐसे आना वाला टाइम के साथ। तो ये टाइमर है ही, टाइमर का पल्स जनरेट करता है, डिफरेंट तरह का टाइमिंग पल्स हम लोग इससे जनरेट कर सकते हैं, ऐसा क्या है। देन चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऑफ इंटरनली कनेक्टेड आरसी नेटवर्क, द आउटपुट फ्रॉम बोथ कंपैरेटर्स आर कनेक्टेड टू द टू इनपुट्स ऑफ द फ्लिप फ्लॉप व्हिच इन टर्न प्रोड्यूस आइदर हाई या लो लेवल आउटपुट एट क्यू बेस्ड ऑन द स्टेट्स ऑफ द इनपुट। ये हम लोगों ने अभी अभी यही बात किया वही लिखा हुआ है। द आउटपुट फ्रॉम द फ्लिप फ्लॉप इज यूज टू कंट्रोल हाई करेंट आउटपुट स्विचिंग जीरो स्विचिंग स्टेज टू डराइव the connected load producing either a high or low voltage level at output pin. Output pin में क्या आएगा ये वही से फिर decide होगा। The most common use of 5-5 timer oscillator is a simple A-stable oscillator by connecting two resistors and a capacitor across its terminal to generate a fixed pulse train. जो मैंने बोला कि ये pulse generate करता है, तो that can be that is a very common use with a time period determined by टाइम कॉन्स्टेंट ऑफ आरसी नेटवर्क, बट द टाइमर ऑसिलेटर चिप कैन ऑल्सो
be connected to variety at different ways to produce monostable or bistable multivibrator as well as the more common stable multivibrator. तो ये ओवरऑल आज जो हम लोग 555 टाइमर का बात किए तो अगर हम सोचे कि ओवरऑल हम लोगों ने क्या जाना, एक तो ये जाना कि ये एक पिन आईसी है और बहुत कॉमन है, बहुत वर्सेटाइल है और कई सारे इसके एप्लीकेशन होते हैं. देन इसका ब्लॉक डायग्राम क्या है, मतलब ये जो पिन डायग्राम है इसके अंदर क्या है. देन वी सी दिस इज ब्लॉक डायग्राम. देन वी सी इन ब्लॉक डायग्राम देयर आर फ्यू थिंग्स लाइक रेजिस्टेंस. This is NPN transistor. These are two comparator, means operation amplifier are used as a comparator. Then flip flop, then output. तो ये सारे पिन का क्या मतलब है, ये भी हम लोगों ने देखा है, लिखा है. और फिर ये कैसे काम करता है, थोड़ा थोड़ा इस पे यहाँ पे बात होता है. तो इतना समझे अभी. अब कल जब हम या नेक्स्ट क्लास में जब हम पढ़ेंगे तो देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, व्हाट इज स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर, व्हाट इज मोनो स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर, व्हाट इज बाईस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर. इसमें एक्चुअली बहुत सारे चीजें ऐसी यूज हो रही है जिनके बारे में अगर हमको पहले से नहीं पता है तो वहां पे समझना थोड़ा मुश्किल हो. जैसे आरसी नेटवर्क का बात कर रहा है कि चार्जिंग डिस्चार्जिंग वहां पे कैसे करते हैं, तो कुछ बेसिक्स इसमें बहुत पहले से थोड़े हमको चाहिए. जैसे ऑपरेशन एम्पलीफायर यूज कर लिया कंपैरेटर की तरह, तो अब हम लोग को अगर ऑपरेशन एम्पलीफायर ही नहीं पता है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है उसको समझना. लेकिन ओवरऑल कुछ एक स्टोरी बिल्ड होता है. सो आई थिंक हम लोगों ने थोड़ा सा इस तरह से इसको समझने का कोशिश की है और कमिंग क्लासेस में थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे तो और फैमिलियर लगेगा. और ये जो है ये जस्ट दो स्लाइड में ये ऐसे रख दिया कि जब हम लोग 555 आईसी को ए स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर की तरह यूज करना चाहते हैं तो बोले ना आरसी नेटवर्क लगाते हैं, तो दिस इज आरसी. दोनों ये सब, ये दोनों देखो वो है कैपेसिटर, ये रेजिस्टेंस है, तो दिस इज आरसी नेटवर्क. तो ये आरसी नेटवर्क लगाया है और यहाँ से हम लोग आउटपुट ले रहे हैं और इसी में जो कैपेसिटर है उसका चार्जिंग डिस्चार्जिंग होगा, इसी के बेसिस पे हम लोग को यहाँ पे ऐसे मिले. तो ये देखो ऐसे दिख रहा है, ये दिस इज VO, VO इज द आउटपुट. VC, VC एक तरह से जो हम लोग यहाँ पे इसमें दे रहे हैं इनपुट में जो दे रहे हैं उसको दिखा रहा है और वो कैसे मूव करता है और यहाँ पे आउटपुट में कैसे मूव करता है. सो दिस इज लाइक दिस, ये जब यहाँ पे मूव कर रहा है जैसे ये यहाँ पे पहुंचेगा तो उधर वहां स्टेट चेंज हो जाए. नाउ दिस लाइक दिस, ये ऐसे ऐसे हम लोग मतलब एक ओवरव्यू देने का मैं कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि जो इसका बेसिक सपोर्ट अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए वो अच्छे से हो, उसके बाद फिर आगे इसको फिर से ठीक से पढ़ने का मौका मिलेगा और या फिर हम लोग के पास कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हो तो वहां पे हम इसको रियलाइज कर पाए. सो एज ऑफ नाउ जो हम लोग समझ रहे हैं उतना उतने से एक सेंस आ रहा है अंडरस्टैंडिंग का, तो वो उतना अंडरस्टैंडिंग का सेंस इज इम्पोर्टेंट और उसी में से हम लोग मतलब एक बेसिक टर्मिनोलॉजी जब हम समझ जाते हैं जैसे मोनोस्टेबल एस्टेबल बाइस्टेबल ये क्या है, ऑसिलेटर क्या है, मल्टीवाइब्रेटर का मतलब क्या होता है, फ्लिप फ्लॉप क्या है, कंपैरेटर की तरह कैसे काम करता है, इसको 555 IC क्यों कहते हैं, इसकी एप्लीकेशन क्या है, कैसे काम करता है, तो इतना ओवरव्यू तक अगर हम लोग अभी समझ रहे हैं तो दिस इज ऑल्सो सफिशियंट एंड हम लोग जिस लेवल पे है वहां पे इतना ठीक है. और जब इसको हमको कहीं अप्लाई करना होगा, कहीं यूज करना होगा, तो दैट बेसिक अंडरस्टैंडिंग, दैट सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग विल रियली हेल्प अस टू ये सर्किट. जस्ट ये दिखा रहा है कि जब हम लोग 555 IC को स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर की तरह यूज करना चाहते हैं तो ऐसे आरसी नेटवर्क में कनेक्ट करते हैं एंड देन दिस इज हाउ थिंग्स गो. हम यहाँ पे इनपुट दे रहे हैं और यहाँ पे आउटपुट में कुछ ऐसा मिल रहा है. एंड देन इफ यू सी दिस, दिस इज when we want to connect as a monostable multivibrator.
वहां पे कुछ ऐसे करते हैं, तो ये ट्रिगर इनपुट है, ये आउटपुट है, ये है, तो यहाँ पे जैसे कुछ हो रहा है, कुछ कुछ ऐसे, मतलब एक सैंपल की तरह दिखाए गए रेलेवेंट वेवफॉर्म भी है। तो इसमें जो है हम लोग बेसिकली इतना ही समझने वाले हैं, इसके आगे इसमें बहुत, फिर जो है मैं जो ट्राई कर मैं देख रहा था, कुछ दो तीन किताबों में देखा, कुछ इंटरनेट पे भी देखा, फिर डिटेल में जाने का मतलब फिर बहुत ज्यादा डिटेल हो जाता है, उतना डिटेल शायद हम लोग जिस तरह से पढ़ रहे हैं उसमें ये उतने डिटेल में जाने से फिर बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाएगा, और फिर उसको याद करना समझना भी, मतलब मैं उतना समझाना चाहता हूँ जितना मैं समझ में आया है, इंटरेस्ट भी बना रहे, तो इतना शायद सफिशियंट है हम लोग जिस लेवल पे है, जिस तरह की पढ़ाई हम लोग कर रहे हैं उसमें 555 टाइमर आईसी के बारे में दिस मच इंफॉर्मेशन इज ओके कि कैसे कैसे है, कैसे काम करता है। तो एक तो ये कि पूरा डिटेल इसके समझें, तो जैसे एके मेनी का जो किताब है उसमें उन्होंने ये सब चीजों को थोड़ा समझाया है, लेकिन अब वो डिस्कशन में जाने में फिर काफी इन्वॉल्व है और फिर जो है थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये किताब है एके मेनी का, इसमें उन्होंने ये सब चीजों को समझाया, तो मैं थोड़ा सा उसी में से कुछ कुछ बेसिक बेसिक चीजें लिया हूँ। सो एनीवन जो किसी को अगर थोड़ा और डिटेल में जाने का मन है और ज्यादा समझने का मन है, तो एके मेनी की किताब अवेलेबल है और उससे वो पढ़ सकते हैं, और फिर अगर कुछ इंटरेस्ट है तो पूछे, तो हम लोग मिलकर उसको समझने का और कोशिश करेंगे। लेकिन बात यही है कि इसमें हमको थोड़ा सा बेसिक पहले से ही जो मोनोस्टेबल मतलब ये मल्टीवाइब्रेटर का कंसेप्ट है, आरसी सर्किट है, ये सब चीजें थोड़ा पहले से ठीक से आनी चाहिए, अगर हम वो ठीक से नहीं समझ पा रहे तो फिर इसको समझाना मुश्किल हो जाता है। तो उसी मुश्किल को कम करने के लिए मैंने ये कोशिश किया है कि हम लोग कुछ रिलेवेंट इंफॉर्मेशन जान लें और उसी से अपना काम चला लें, और फिर जब कभी मौका मिलेगा कहीं कुछ ऐसा किट वगैरह कुछ होगा वहां पे लैब में इस सेमेस्टर या अगले सेमेस्टर, तो हम लोग उसको थोड़ा सा और समझने का कोशिश करें।